बिजनौर प्रशासन पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सतर्क, ड्रोन कैमरों से की जाएगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी में पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं बिजनौर जिले में भी SP ग्रामीण रामर्ज की देखरेख में तैयारी पूरी कर ली गई है। जनपद में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए पुलिस फोर्स के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते परीक्षा में सोलवर गैंग का हस्तक्षेप न हो, इसलिए हर परीक्षा केंद्र पर ड्रोन कैमरे से देखभाल की जाएगी। आइए जानते हैं इस संबंध में श्री रामर्ज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। जानते हैं कि कल से हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा है वो जनपद के 12 सेंटरों होनी है और 5 दिवस में परीक्षा होगी, 23 से लेकर 25 तक और 30 और 31 और 2 पालियों में होनी है, दोनों 5 दिन। कुल 10 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। प्रत्येक पाली में 5400 अभ्यर्थी हैं और 12 केंद्र बनाए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सेंटर पे जो भर्ती बोर्ड का निर्देश था उसके हिसाब से वहाँ केंद्र प्रभारी पुलिस, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट सारी ड्यूटियाँ लग गई हैं। केंद्र सभी इन्विजिलेटर्स वगैरह सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। कैमरे जिस हिसाब से लगने हैं वो लगभग कंप्लीट स्थिति में हैं। सारी व्यवस्थाएं जो दुरुस्त पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो सेक्टर और जोन बनाए गए थे वो सब बना करके सभी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और प्रॉपर तरीके से जो भर्ती बोर्ड का निर्देश है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा होगी। विशेष रूप से जो सॉल्वर गैंग है, नकल माफिया है, उन पर नज़र है, वहीं जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल के द्वारा हर परीक्षा केंद्र को आदेशित किया गया है कि हर परीक्षा केंद्र के कमरे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग एक कमरे में की जाएगी। वहां से ही बैठकर सभी कमरों में परीक्षा देते परीक्षार्थियों पर प्रशासन की नजर रहेगी। DPP न्यूज से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। DPP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।